नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गुंजन में। आपको मैं MS ऑफिस से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ MS ऑफिस में आप कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करने के लिए आपको उसको पहले इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती थी, आपके सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में MS ऑफिस होना ज़रूरी होता था। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास नेट अवेलेबल हो, आप कहीं भी हो, किसी कैफे में भी जा रहे हो, अगर उनके पास में MS ऑफिस नहीं है तो आप उसके बावजूद आप MS ऑफिस को प्रॉपरली चला सकते हो और उसमें आप वर्क कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको एक गूगल का अपना अकाउंट चाहिए, जैसे जीमेल का आपको जो अकाउंट होता है बस वो अकाउंट ही सिर्फ अकाउंट है उसमें। उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ में गूगल ड्राइव शेयर होता है। गूगल ड्राइव जैसे गूगल ड्राइव मतलब जाते हो, गूगल ड्राइव में आपको ऑप्शन मिलता है डॉक्स का, एक्सेल का और उसके अलावा पावर पॉइंट का। आप उसको यूज़ करके बखूबी मतलब काम कर सकते हो, जैसे आप MS ऑफिस में जैसे वर्क करते हो। तो इसके लिए क्या है कि पोर्टेबिलिटी आपको मिल जाती है, आपको कहीं भी उसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से उसको कहीं भी बैठ के, सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है, किसी कैफे में बैठ जाओगे तब भी आप उस पर काम कर सकते हो। तो वो इस तरह है, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके इसको बताऊंगा और उम्मीद है आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। सबसे पहले आपके पास जो जीमेल आईडी है उसको ओपन करना है। जैसे मेरे पास ये टेक्निकल गुंजन का ये जीमेल आईडी है, उसको मैंने ओपन किया और साथ में जो स्केल बॉक्स आ रहा है यहाँ पे, ये है गूगल ऐप्स, उसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल डॉक्स का। यहाँ चले जाएंगे मोर पे, ये आ गया गूगल डॉक्स। दोस्तों इसको क्लिक करना है, ये MS ऑफिस का ही सारा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप कोई भी फाइल बना सकते हैं। जब आप इसको ओपन करते हो तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन मिलता है, ये कुछ सैंपल्स है, जैसे आप ब्लैंक पेज लिए अगर कुछ नया बनाना है खुद से। उसके अलावा आप इसमें जैसे ये ब्रोशर है, रिज्यूम, फिर लेटर, प्रोजेक्ट वर्क है, ये कुछ इस तरह के मतलब सैंपल है। मैंने दोस्तों इसी में एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, मैंने अपने ब्लॉग के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, रिव्यू था, तो उसके रिगार्डिंग है। इस तरह से आप इसमें वर्क कर सकते हो। तो आज आपको मैंने फ्रेश बनाने जा रहा हूँ, फ्रेश बना के मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली है। हम बैक चले जाएंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ ब्लैंक पेज लेना है, ये ब्लैंक पेज ले ली, कोई भी साइट खोल लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर का। सैंपल के लिए मैं एक मैटर ऐसे ही उठाता हूँ। यहाँ से कुछ टेक्स्ट ले लीजिए, यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे करना है पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊँगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये पेज व्यू है, पेज व्यू अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं, आप 50% में रखना चाहते हैं, 75 में आप कंफर्ट हो, या 90 में, 100 में, या आप कुछ और जो भी आपकी इच्छा है। स्क्रॉल से ऊपर नीचे होता है ये विंडो, तो मैंने जस्ट इसको अभी 125 पर रख लिया। इसका जो जूम व्यू है, जो आपको प्रीव्यू का जो व्यू होता है वो, अब इसमें मैं टूल्स के बारे में बात करूँगा आपसे, तो जान लेते हैं टूल्स के बारे में। टूल्स है, आप यहाँ पे पहले फाइल्स के बारे में जा लो। यहाँ पे फाइल में जाने के बाद में आप न्यू फाइल कोई भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट, उसके बाद में स्प्रेडशीट होता है और इसमें प्रेजेंटेशन और फॉर्म्स। फॉर्म्स का तो खैर आपको ज़रूरत नहीं होगी, अगर ज़रूरत हो तो बना सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म किसी को शीट शेयर करना चाहते हो तो ऑनलाइन में बन जाता है। तो इन तीनों के बारे में मैं बेसिकली जानकारी देने वाला हूँ। इसमें से सबसे पहले यहाँ पे अगर डॉक में काम करना है तो डॉक में जाइए, अगर इसमें सेपरेट शीट में जाना है तो सेपरेट शीट में जाइए, प्रेजेंटेशन बनाना है तो प्रेजेंटेशन में। वैसे मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको आपको सेपरेट सेपरेट ही बताना चाहूँगा।
तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमने डॉक्स की फ़ाइल ले ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कोई फ़ाइल आपने ऑलरेडी बना रखी हो तो आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई फ़ाइल नहीं बनी है तो आप मतलब इसको अभी नया बनाना है जस्ट। तो ये है, सबसे पहले ये सरफेस आपको ऐसे खुलता है। सरफेस में देखिए यहाँ पे आ गया फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एडऑन्स का ये ऑप्शन है कुछ। उसमें से ये है अंडू और रीडू का ऑप्शन। अगर आप कोई मिस्टेक गलती से यहाँ चले गए, आप उसको अंडू करना चाहते हो अंडू कर सकते हो, रीडू करना चाहते हैं जस्ट एज इट इज़ फिर दोबारा हो सकता है, अंडू रीडू हो जाएगा। ये ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट का। आप किसी डॉक्यूमेंट को अगर इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रिंट का प्रीव्यू पहले यहाँ पे शो करेगा इस तरह से, फिर आप देख सकते हो। अभी हम कैंसिल करते हैं इसको। ये है अपना स्पेल चेक का ऑप्शन। अगर आप स्पेल चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट। वैसे इसमें स्मेल होगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये वेबसाइट से हमने उठाई है। ऑप्शन है अपने पास, अगर आपको स्पेल चेक करना हो तो आप कर सकते हो इसमें। ये पेंट फॉर्मेटिंग है, अगर आप इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। ये आपका प्रीव्यू का ऑप्शन जो आपको बताया, जैसे ये 100% व्यू हो गया, वो 125% पे मैं दिखा रहा था आपको। ये है टेक्स्ट का स्टाइल सेट। जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग रखी, अब ये इसको हम हेडिंग बनाना चाहते हैं तो एक स्टाइल होता है, या तो आप मैनुअल करें इसे, लेकिन क्या है शॉर्टकट है जल्दीबाजी के लिए वो ईजी है। हम इसको पहले फॉर्मेटिंग करेंगे, देखेंगे किस तरह से लग रहा है, कैसा लग रहा है, जैसे 30 में हमने हेडिंग लगा ली इस तरह से। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी देखते हैं तो यहाँ पे बना हुआ टाइटल, आप टाइटल को लगा सकते हैं डायरेक्ट। आपको ये टाइटल नहीं लगाना है, यहाँ पे नॉर्मल सबहेड लगा सकते हो। ये मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड जैसे हेडिंग हो गया, हेडिंग 1, 2, 3 किस तरह के स्टाइल लगाना, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, उससे छोटा चाहिए, ऑप्शनल है। आप इसमें अपने हिसाब से रिसेट कर सकते हो, अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो, कोई स्टाइल सीट बना के रख सकते हैं। उसके अलावा है इसका फॉन्ट का स्टाइल। अब मैं इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। ये जैसे फॉन्ट का स्टाइल है, कोई भी फॉन्ट हम लगाना चाहते हैं तो जैसे ऑलरेडी वहाँ पे दिख रहा है तो ये इस तरह से। अगर किसी चीज़ को अच्छा बनाना है तो नेचुरली आप फॉन्ट को ऐसे चेंज करके थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं डिजाइन को। और ये है फॉन्ट साइज, आप इसको बड़ा छोटा जैसे आपकी इच्छा है उस तरह से बना सकते हैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से। एक और है इसमें, एक और ऑप्शन है इसमें, जैसे ये बोल्ड लाइट इटैलिक का। आप फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हो, ये बोल्ड हो गया, लाइट करना चाहते हो लाइट, इटैलिक का ऑप्शन रखना तो इटैलिक है, अंडरलाइन का ऑप्शन है। उसके अलावा इसमें दोस्तों कलर का ऑप्शन है, आप जिस किसी कलर में अपने फॉन्ट को टेक्स्ट को लगा सकते हो। ये है हाइलाइटर। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बीच का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जैसे ये कुछ हिस्सा है, ये एरिया हमें इंपॉर्टेंट लगता है, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं इससे। हाईलाइट के लिए वैसे इस तरह का कलर ज़्यादा बेटर होता है हाईलाइटर के लिए, ये आप दे सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे कलर हैं, जैसे ये आप देख सकते हो, ये अच्छा लगता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का हाईलाइटर लगाना चाहते हैं। तो ये है हाईलाइटर का ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ पे ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आ गया आपके पास। ये है अलाइनमेंट का। आप ये पहले अभी लेफ़्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है, अब सेंटर करना चाहो सेंटर हो सकता है, राइट लगाना है राइट लग सकता है, जस्टिफाई मीन टू से कि आप चारों तरफ से जस्टिफाई वाला ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट लगा दिया हमने। उसके अलावा ये लीडिंग स्पेस है, आपके टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस होता है, ये दो टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है, इसको थोड़ा सा जूम करके बताते हैं आपको, जूम कर लिया। ये दो टेक्स्टों के बीच का जो मतलब जो स्पेस है उसको हम लीडिंग कहते हैं। तो आप अभी देखना इसमें इस तरह से आप इसको कितना रखना है, डबल रखना है, 1.5 रखना है। अब देखो ये दोनों के बीच की स्पेस, टेक्स्ट के दोनों के बीच की जो स्पेस है बढ़ गया। हम और कहते हैं डबल रखना है, ये देखिए बीच का स्पेस काफ़ी बड़ा हो गया। तो यह है लीडिंग का, कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर इसको आप कम करना चाहते हो तो अपने हिसाब से, ये ऐड बिफोर भी है। अगर इस लाइन के बाद में हम ऐड बिफोर में क्या आता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी, तो हम ये देखिए एक पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में इतनी दूरी आ गई, बिफोर आफ्टर। अब अगर हम इसमें पहले बिफोर का ऑप्शन लगाए थे, अब आफ्टर का, ये आफ्टर का ऑप्शन, उसके बाद भी इस तरह से हम ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और है, इसको हमने सेलेक्ट कर ली। अब पैरा टू पैरा क्या है, अब इसको हम एक पैरा बना लेते हैं। ये पैरा बन गया हमारा, एक और पैरा बन गया। अब हमें इसको नंबरिंग करनी है, अगर फॉर्मेटिंग करनी है
तो इसमें बहुत आसान है। एक होता है कि हम मैनुअल अपने तरीके से ऐसे 1 2 ऐसे करके हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ की बहुत ही बढ़िया फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिक जो इंसर्ट हो सकता है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 2 3 4, ये अपने आप ही लग गया। अगर इसमें ऑप्शन और भी हैं कि किस तरह से लगाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप नोमेरिक में लगाना चाहते हो, रोमन में लगाना चाहते हो, ABCD लगाना चाहते हो, मतलब लॉट ऑफ जितने मर्जी ऑप्शन हैं आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सेम उसी तरह से यहाँ बुलेट है, आप बुलेट लगा सकते हो यहाँ पे। बुलेट तरह तरह के बुलेट हैं, बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, जो आप जो आपकी इच्छा है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपने यहाँ पे देख ली कि आप बुलेट का भी ऑप्शन है, तरह तरह के आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, इस तरह से बुलेटिंग कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे इसको, अगर इसके ऊपर ऐसे सेलेक्ट करके, तो ये ख़त्म हो जाएगा या लग जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका आप टैब सेटिंग। आपको अगर बेसिकली बताऊँ तो टैब सेटिंग का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पर टैब लगा दीजिए, ये टैब है, यहाँ पर मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर टैप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक जो टैब इसका सेटिंग है, ऑटोमेटिक जो फॉर्मेटिंग है वो यूज़ होता है यहाँ पे। तो ये टैब सेटिंग है। अब अनडू कर लेते हैं इसको, जो कुछ भी हमने किया अभी तक, इसको मैंने कर दिया अनडू। टैब सेटिंग हो गया, इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, ढंग नहीं चाहिए। हमने ऑप्शन देखना था, देख लिया, अब बुलेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन है इसके अंदर में, आप इसके मुताबिक आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें मेन फीचर्स क्या है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर ऐड करनी है तो पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, इसमें इंसर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। आप यहाँ से कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपका अगर ड्राइव रूम पड़ा हो, ड्राइव से ले सकते हो। अगर फोटो गैलरी है आपके पास, गैलरी ले सकते हो, कैमरा है कैमरा से ले सकते हो। अब यहाँ पर पिक्चर हम लेते हैं, मैं अपने ड्राइव में चले जाता हूँ, एक्चुअली मेरे ड्राइव में फ़ोटोज़ पड़े होंगे थोड़े बहुत, तो उसके देखता हूँ। जैसे मैंने ये आर्ट कार्ड ले ली, यही जिसको मैं अभी मैंने अब आर्ट कार्ड बनाना है, ये मेरा पिक्चर है, और इसको मैं करता हूँ इंसर्ट। ठीक है, अब मैं फिट कर इसको, व्यू को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ये इस तरह से पिक्चर इंसर्ट होता है, आपको इस साइड से पकड़ के ऐसे इसको छोटा कर सकते हैं, आपको जितना छोटा है आप लगाना है। उसको मैंने डिलीट कर दिया, नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टाइप का, दोस्तों ये तो हमने लगा लिया यहाँ पे, लेकिन क्या है कि टेक्स्ट हमारा ऊपर नीचे इधर स्पेसिंग है। अगर तो आपको इस स्टाइल जमता है तो गुड, इसको सेंटर करने के लिए सेंटर कर सकते हो, लेफ्ट लगाना है लेफ्ट लगा सकते हो। अगर नहीं जमता, अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट ऊपर नीचे अगर इस तरह भी टेक्स्ट यहाँ पर दिखे, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप का ऑप्शन मिलता है, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। ये टेक्स्ट आपका ऑप्शन मिला आपको, मैटर ऊपर नीचे भी ऐसे। अब मैटर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको छोटा बड़ा कुछ ऐसा कुछ करना है इसको, ये फ्री हैंड है, आप कैसे भी करके इसको मैटर को इस तरह से ऐसे लगा सकते हैं। पिक्चर को मैटर आपके हिसाब से एडजस्ट हो सकता है, ये छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से होता है। मार्जिन अब कितना रखना है उसके बाद में, अब जैसे टेक्स्ट और अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। इस पिक्चर और मैटर के बीच का जो स्पेस है, ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, तो कितना रखना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट में आप यहाँ पर चार्ट वगैरह का भी इस्तेमाल कर, अगर चार्ट आपको बनाना आता है, अगर चार्ट का आपका फॉर्मेटिंग है आपको पता लगता है, तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। इस तरह से चार्ट बना लिया, चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या है कि इसके लिए कि आपको आना चाहिए चार्ट कैसे बनता है, तो ये चीज़ें। और सेम उसमें भी यही ऑप्शन है, अगर चार्ट आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इसको टेक्स्ट शेप का ऑप्शन हमें देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से ये काम करता है। इसमें ऑप्शन आपको एक तो चार्ट कई तरह के चार्ट मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें जो काम के ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। मेन काम के ऑप्शंस है, लेकिन इसके लिए क्या है,
मैं आपको ऑप्शन बताना चाहता हूँ, लेकिन ये ऑप्शन ऐसे काम करेगा नहीं शायद। मे बी मैं ट्राई करके एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे एक आता है टूल्स में जाके ऑप्शन वॉइस टाइपिंग का। अगर आपको कंपोजिंग नहीं करनी है, अगर बोल के टाइप करनी है तो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे आप जाके इसको टाइप करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट किया आपने, अब ये टाइप करने का ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिलता है। लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा रखा हूँ, इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। बस मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि आपको इसको ऑन करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे वॉइस चलना शुरू हो जाएगा। आप उसको बोलेंगे, आपके लैपटॉप में अगर माइक फोन हेडफोन लगा लेते हैं तो उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्री हैंड बोलना है तो फ्री हैंड भी आप इसके ऊपर बोल के और अपनी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन मिलता है। और जब ये फाइल सारी कंप्लीट हो गई आपकी, तो अगर किसी को मेल करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हैं। मेल में आपको ऑप्शन मिलता है दो तीन तरह का। जैसे मुझे ये मेल करना है, अपने खुद को मेल करनी है, को मैंने सेव किया। ये मैं अब यहाँ पे वो फाइल सेव हो गई है, अब उसको मेल करना है। ये आ गया गूगल क्रिएशन का ऑप्शन। अगर आपको वहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करना है, दिस इज माई फाइल विलेज रिवर्ट अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, इस तरह से आपको अपना मैसेज यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी ये फाइल किसी दूसरे जगह अगर कोई ओपन करता है तो वो सिर्फ जस्ट देख सके, तो उसके लिए व्यू का ऑप्शन कर सकते हैं, कैन व्यू। अगर आपके मैसेज के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहे तो कमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में वो भी साथ के साथ अलॉन्ग विद, अब जस्ट जिस वक्त आप इसको फाइल को ओपन कर रखे हो सेम टाइम में वो भी इस फाइल को ओपन कर सकता है, कहीं भी हो, चाहे वो बंदा अमेरिका में बैठा हो। आप फाइल को ओपन करेंगे और एक साथ इस फाइल पे वर्क कर सकते हैं। तो कैन एडिट का ऑप्शन आप देख के यहाँ पे इसको मेल को सेंड करते हो आप। अब जैसे वहाँ पे क्या है कि आपने इस फाइल को खोल रखी है, ठीक है। अब एक मेल मैं भी कर लेता हूँ एक आपको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ भी शेयर कर दी ये चीज़, ठीक है। अब इसमें कैन एडिट का ऑप्शन मैंने रखा हुआ है। मेल मैंने कर दी भूपी कपूर को। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेल खोलता हूँ जस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। ये मैंने मेल खोल ली। अब देखना दोस्तों, वो मेल जो मैंने करी थी अभी शेयर करी थी, वो शीट मेरे पास आ गई है गूगल डॉक की। ये गूगल डॉक की शीट मेरे पास यहाँ पे इनविटेशन है कि मैंने इसको ओपन करना है। ये शीट आ गई, मैंने इसको करना है ओपन डॉक्स। अभी क्या है, ये फाइल सेम टाइम में दोनों जगह पे यहाँ पे हमें दिखाई देगी। सेम टाइम में इस पे दो लोग बैठे हुए हैं, इस पे इस शीट पे। इस शीट को आप चाहे कितने भी लोगों के साथ में शेयर करते हो और सिंगल टाइम में दोनों लोग इस शीट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। कोई यहाँ पे वर्क करेगा, कोई इधर वर्क करेगा, तो इस तरह से ये वर्क का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों ये था वर्ड का डॉक का ऑप्शन। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसके बाद में फिर मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में बताऊंगा और एक्सेल शीट के बारे में भी मैं इसकी जानकारी दूंगा। तो आपको जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं प्रोत्साहित होता रहूं और मैं आपके लिए ऐसे ही ये काम करता रहूं। आप सबका प्यार बना रहेगा तो मैं इसी तरह आगे भी काम करता रहूँगा। धन्यवाद।